प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2980 मेगावाट क्षमता के सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को किया समर्पित। रायगढ़ जिले में 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को दी क्लीन चिट, मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से ताजा प्याज आने से कीमतों में आएगी कमी। राजस्थान के मंत्री बाबूलाल नागर ने बलात्कार के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा अपना इस्तीफा। बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष ने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन करने का किया फैसला। भारतीय अर्थव्यवस्था की लौटी रौनक, रुपया 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर। शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 158 पैसे के उछाल के साथ 61.80 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रोत्साहन कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा के बाद विदेशी बाजारों में मजबूत रुख और रुपए की तेजी के बीच कोष और खुदरा निवेशकों की लगातार लिवाली के कारण बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 574 अंक चढ़कर 20,536 पर खुला। निफ्टी भी 184 अंक चढ़कर 6,083 पर खुला। विश्व बाजार को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी फेडरल बैंक ने $85 बिलियन की मासिक राहत पैकेज को जारी रखने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अमेरिकी और अन्य शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिला। इस फैसले से डॉलर में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फरनगर हिंसा मामले के लिए यूपी की सपा सरकार और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी नेता राशिद अल्वी ने कहा कि इन दंगों में हजारों लोग विस्थापित हुए और अगर राज्य सरकार ने समय रहते कदम उठाया होता तो स्थिति को संभाला जा सकता था। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार ने केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर वापस बुलाने का आग्रह किया। अरुण कुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर यह आग्रह किया। समझा जाता है अरुण कुमार ने यह फैसला मुजफ्फरनगर दंगे से निपटने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से किया। सरकार ने खर्चों में कटौती के उपायों की घोषणा। इसके साथ ही नई नियुक्तियों और 5 सितारा होटलों में कार्यक्रमों पर रोक के साथ साथ बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगाई गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार के गैर योजनागत खर्चों में कटौती की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बस व मिनी बस मालिक संगठन किराए में वृद्धि की मांग को लेकर आज हड़ताल पर। परिवहन मंत्री मदन मिश्रा ने कहा कि हड़ताल में शामिल बसों को जब्त किया जाएगा और उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा उनकी सरकार कभी भी नहीं करेगी परमाणु हथियारों का विकास और निर्माण। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का संदेश काफी सकारात्मक।